दिल्ली के निगम को अपने पक्ष में करने के लिए दिल्ली की तीनों ही पार्टियों ने खूब जोर आजमाइश की। दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी निगम को अपने पाले में करने के लिए खूब लोक लुभावन वादे किए। उन्होंने बीजेपी को अमीरों की और खुद की पार्टी को गरीबों की पार्टी बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आखिरी वक्त में बीजेपी के एक मास्टर स्ट्रोक ने शायद अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक विस्तार के बीच स्पीड ब्रेकर लगा दिया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको बताते हैं। दिल्ली में नगर निगम के चुनाव से ठीक पहले जहां झुग्गी वहीं मकान योजना के तहत गरीबों के लिए कालकाजी में बनाए गए 3024 फ्लैट्स लोगों को आवंटित किए गए थे। एमसीडी चुनाव में मतदान के दौरान रविवार को इन फ्लैटों का जादू खूब चला। वोटरों की माने तो इसी कारण झुग्गी वाले इलाकों में खूब वोट पड़े हैं। दरअसल बीजेपी ने इन फ्लैटों के आवंटन के बाद इसका खूब प्रचार प्रसार किया था। बीजेपी ने दिल्ली के विभिन्न इलाकों के झुग्गियों में रहने वाले हजारों लोगों को ला लाकर इन्हें उन फ्लैट से इनका दीदार कराया। इस तरह से बीजेपी ने यह बताने की पूरी ताकत झोंक दी है कि बीजेपी को जिताने पर दिल्ली के हजारों झुग्गी झोपड़ी वालियों को छत मिल सकती है। रविवार को जब संपन्न इलाकों और कॉलोनियों के मतदान केंद्रों पर वोटरों की संख्या गिनती की थी, तब भी झुग्गी वाले इलाकों में बनाए गए मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें लगी थी। गोविंदपुरी इलाके के भूमिहीन कैंप में तो शाम 5 बजे भी वोट डालने के लोगों की लंबी कतार थी। मतदाताओं की माने तो उनकी सबसे बड़ी समस्या तो आवाज की ही थी। झुग्गी में बच्चों की अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है। सार्वजनिक शौचालय में सुबह 5 बजे से लाइन में लग जाना पड़ता है। ऐसे में भला किस झुग्गी झोपड़ी वाले को फ्लैट की चाहत नहीं होगी। भूमिहीन कैंप के पप्पी सरदार ये बताते हैं कि हमारे क्षेत्र में गंदगी की काफी समस्या है। रही बात फ्लैट की, तो किसे अच्छा नहीं लगेगा कि उसके पास अपना अच्छा घर हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें फ्लैट का इंतजार है। लोग चाहते हैं कि सरकार को हर झुग्गी वासी को रहने के लिए घर उपलब्ध कराना चाहिए। मतलब साफ है कि जहां झुग्गी वहीं मकान योजना से दिल्ली के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। ऐसे में इस योजना के हिट होने से बीजेपी को यकीन है कि इस बार भी एमसीडी में उसकी वापसी लगभग तय है। लेकिन अब देखना है कि जब 7 तारीख को मतदान की गिनती होगी तो फिर से दिल्ली का छोटा बॉस दिल्ली वालों ने किसे बनाया है, ये हम सब के लिए पेच साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।